चलो ठीक है, आप यहाँ आए, ड्यूल डेकर भी आपने अटेंड किया है यहाँ पर? बिल्कुल सर, ड्यूल डेकर किया, ब्लैक पेस्टेड करा है हमने, ब्लैक पेस्टेड किया। इनके बहुत सारे वीडियो भी हैं, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट का सारा। सर बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट है यहाँ पे, डिसिप्लिन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप नहीं सीख सकते। अगर मान लो बड़ा आप पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे उधर बात कर रहे हैं, तो उसका फायदा नहीं है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है, फिर वो दो बच्चे बात कर रहे हैं तो पढ़ क्यों नहीं रहे? आए किसके लिए? आए किसके लिए? माँ बाप का पैसा थोड़ी खराब करना है। और अगर हम अगर ये चीज इग्नोर कर देंगे तो मतलब टीचर बेकार है। बिल्कुल सर, वही पैसा पैसा वाला, पैसा भर लिया, अब पढ़े ना पढ़े हमारी मर्जी। ऐसे करना तो मत आओ सर, बेस्ट है मत आओ। जबकि ये बताओ कि ऐसा टेलीकॉम कौन ज्वाइन कर सकता है, वाकई में सच बताओ? सर जिसको सीखने की लगन है वो जरूर आए, और जो हार्ड वर्क कर सकता है। बिल्कुल सर, यहाँ 12 घंटे वो कहने की बात है, कहने की बात नहीं सर, सुबह 8 बजे जाते थे, रात को 10 बजे जाते थे। की तो ठीक है, DSO तक के आपने नाउ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। DSO कितना इंपॉर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले देखता था क्योंकि मैं कंप्यूटर लाइन से रहा हूँ पहले, तो वहाँ पे जब हम मदरबोर्ड रिपेयर कराने जाते थे वो लोग यूज़ करते थे, मैं कहता था यार इसको देखते कैसे हैं लोग, समझते कैसे हैं, लेकिन अब पता चला क्यों देखते हैं। ICO को बिना उठाए भी हम चेक कर सकते हैं पूरी सर, है ना? एक सॉफ्टवेयर का था, 3 ब्लैक पेस्टेड थे, जिसमें से 3 मैंने ऑन कर लिए हैं, बल्कि 4 ऑन किए हैं, एक तो मैं डेड करके लाया था, पूरा खत्म कर दिया था मैंने उसे, और जिसमें से मैंने 3 ऑन कर लिए हैं, एक मैंने अभी छोड़ा है, वो खुद जाके करूँगा सर। मैंने कभी डायग्राम्स नहीं पढ़े सही बताऊँ? अच्छा, मैंने कभी नहीं पढ़े। तो अब मुझे बताओ, और अगर लाइव अगर आपको मैं कोई सेट को बोलूँ कि एक चार्जिंग का डायग्राम में इस IC के अंदर का पैड बनाओ, तो बिल्कुल सर सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नेटवर्क का हर एक का डायग्राम बनाया, कोई टेंशन नहीं। MOLED का सर्किट से लेकर? बिल्कुल सर, अभी नए सेट आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी आईफोन का भी आपने अभी लास्ट सेक्शन दिया हमें, और मेरे पास का टूल नहीं है, लेकिन मैं पक्का जाते लूंगा। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। हाय माय YouTube की फैमिली, मेरे साथ में हैं प्रमोद जी। प्रमोद जी कहाँ से हैं वैसे? गाजियाबाद, गाजियाबाद यूपी का। भाई टेस्ट जैसे बोलते हैं ना, गाजियाबाद के लोग, गाजियाबाद के पीपल्स, अगर यूपी के लोग आप देख रहे हैं वीडियो YouTube पे इसे टेलीकॉम चैनल पे, या आप देख रहे हैं Facebook पर, मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर लाइव विदाउट एडिटिंग। अच्छा मैं बात करता हूँ, इनसे भी बात करूँगा कि लाइव का क्या सीन है, क्यों लाइव लेते हैं और क्यों हम हर क्लास को लाइव दिखाते हैं, इनसे पूछूँगा। काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको और थ्रू आउट कमाल के स्टूडेंट रहे हैं। सो प्रमोद से जानेंगे कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, गाजियाबाद से यहाँ आए, क्या वाकई में पैसा वसूल है, वेस्ट है, पैसा वसूल क्या होता है ये भी जानूँगा, और थोड़ा बहुत कि यहाँ से आकर उनको कितना लेवल पे नॉलेज मिला और आपको आना चाहिए। रिव्यू देखिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर MMC प्रोग्रामिंग और नैन प्रोग्रामिंग तक का। प्रमोद जी क्या करते थे गाजियाबाद में? सर मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, मैं 16 साल हो गए इस फील्ड में। 16 साल हो गए। आपकी मोबाइल शॉप का नाम और एड्रेस बताओ? लक्की मोबाइल रिपेयरिंग, 497 मेन श्याम पार्क सहाबाद। इससे पहले लाजपत नगर में थे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल कुछ साल से हम शिफ्ट हो गए। इतने सालों से काम कर रहे हो तो क्या ज़रूरत आ गई एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने? सर देखो अपडेट होना इस लाइन में बहुत ज़रूरी है, अगर आप अपडेटेड नहीं हो तो आप इस लाइन में स्टैंड नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को भी अब 16 साल हो गए हैं, फिर पिछले 3 साल से अब जो सेट्स आ रहे हैं वो कई सेट वापस जाते हैं, MMC वाले, ड्यूल डेकर वाले, कुछ भी आप और भी की चीज़ कह सकते हो, लेकिन वापस भेजना बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि एक नाम है हमारा उस जगह। मेरे को 16 साल हो गए, मेरे ख्याल से मेरी एरिया की पहली शॉप थी जो मैंने डाली थी वहाँ पे हार्डवेयर का काम कोई नहीं करता था। मेरे सर हैं जो आपके UP गाजियाबाद और दिल्ली तक के टॉप के थे, मिस्टर AK सिंह उनका नाम है, और आज भी है वो, ऐसी बात नहीं उनका नाम है आज भी, पर वो भी अब एक अलग लेवल पे काम करते हैं, हम लोग अलग कर रहे हैं। सही बात है। तो उनका भी थैंक्स बहुत, क्योंकि उनकी उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो यह है कि अगर आप अपडेट नहीं होगा तो सर कुछ नहीं कर सकते। तो आपने क्यों ऐसा लगा कि अपडेट के लिए आपको हमें चुनना पड़ा, आप कहीं पास में क्यों नहीं चले गए या घर बैठ के या कहीं? सर मैं गया था दिल्ली में भी पता किया था, बट मेरे को वहाँ पे ट्रस्ट नहीं हुआ कुछ, मज़ा नहीं आया कुछ, बात उनसे बात भी करी, उनसे पूछा भी, तो मैं जी पैसा 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 सर, पैसा पैसा नहीं देखना सर, ठीक है नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए इसमें मैं यहाँ पे आया। आपके मैंने वीडियो भी देखे थे यहाँ आने से पहले, मैंने खुद भी आपका MMC पे काम किया है, UFI पे काम किया है मैंने, तो वो भी आपके वीडियो देख के किए थे मैंने, तो वो सक्सेसफुल रहे मेरे। हाँ जी। तो आपने इसे टेलीकॉम, जब आपने लगा कि अब मैं इसे टेलीकॉम जा रहा हूँ, तो आपके मन में क्या चल रहा था और
अब आपके कितना परिवर्तन है, जो कहते हैं इसे टेलीकॉम चेंज योर लाइफ, क्या वाकई में सही? बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर, बहुत कुछ चेंज हुआ मेरे साथ और बहुत कुछ नॉलेज भी मिली है मेरे को, जिस चीज़ के लिए मैं आया था मैंने पूरा पाया सर यहाँ पर। मैंने देखा थ्रू आउट काफ़ी अच्छी नॉलेज है आपको, हर समय इंस्टेंट जवाब रहते हैं आपके पास और डेडिकेशन बहुत अच्छा है। आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, सच बताओ दिल खुश होता है, ऐसा लगता है कि वाकई में आप जैसे लोग होने चाहिए हमारी क्लास में, दो चार तो होने चाहिए, क्योंकि हमारे को भी है ना एक एनर्जी मिलती है। सो मुझे बताइए कि वाकई में आपको वो एनर्जी हमसे मिली है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिली है। आपका जब आप आते हो उसी टाइम से हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है सर। अच्छा। आपके जब आप 12-11 बजे आप आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, शाम को 6:30-7 बजे तक भी आप रहते हैं, तो जो आपका लेवल रहता है एनर्जी के, जो आने के टाइम पे वही जाने के टाइम होता है आपका, तो उसमें कोई मतलब 1% भी डाउन नहीं होता। और आप क्योंकि इतने एक्सपीरियंस रहे हैं ऑलरेडी, थोड़ा बहुत काम करते भी आए हैं, तो आपने कभी ऐसा तो नहीं लगा कि हम बहुत सी चीज़ हाइड कर रहे हैं या हमें खुद को नॉलेज नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहे, या कुछ मोबाइल के डायग्राम्स नहीं खोलते जानबूझ के कि उसको हमें पता नहीं? ऐसा बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ ऐसा। सर मैंने कभी डायग्राम्स नहीं पढ़े सर। अच्छा, कभी नहीं पढ़े। तो अब मुझे बताओ, अगर लाइव अगर आपको मैं कोई सेट को बोलूँ कि एक चार्जिंग का डायग्राम में इस आईसी के अंदर का पैड बनाओ, तो बिल्कुल सर सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। नेटवर्क का हर एक का डायग्राम बनाया, कोई टेंशन नहीं। एमओएलईडी का सर्किट से लेकर, बिल्कुल सर, अभी नए सेट आ रहे हैं। बिल्कुल, अभी आईफोन का भी आपने अभी लास्ट सेक्शन दिया हमें, और मेरे पास का टूल नहीं है लेकिन मैं पक्का जाते लूंगा, क्योंकि आपने आईफोन के बहुत सेट है मेरे पास आते हैं और मैं अपने फ्रेंड को देता हूँ, उसका गफार में अपना काम है। और जबकि सर बताओ नेट प्रोग्रामिंग कैसी लगी आपको? सर बहुत इजी, बहुत इजी है ना, ये बोला आते साथ बोला था, याद है? बिल्कुल सर, आते साथ बोला। हम तो डरते थे लेकिन यही है कि अब आईसी जब हमने ब्लैक पेस्टेड उतार दी, मैं अपने साथ 4 सेट 5 सेट लाया हूँ, बल्कि एक सॉफ्टवेयर का था, 3 ब्लैक पेस्टेड 4 ब्लैक पेस्टेड थे, जिसमें से 3 मैंने ऑन कर लिए हैं, बल्कि 4 ऑन किए हैं, एक तो मैं डेड करके लाया था, उसे पूरा ख़त्म कर दिया था मैंने उसे, और जिसमें से मैंने 3 ऑन कर लिए हैं, एक मैंने अभी छोड़ा है, वो खुद जाके करूँगा। और उसमें MMC भी चेंज किया आपने? बिल्कुल सर। अच्छा, तो यहाँ पर हार्डवेयर की तो ठीक है, DSO तक की आपने ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। DSO कितने? मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले देखता था क्योंकि मैं कंप्यूटर लाइन से रहा हूँ पहले, तो वहाँ पे जब हम मदरबोर्ड रिपेयर कराने जाते थे वो लोग यूज़ करते थे, मैं कहता यार इसको देखते कैसे हैं लोग, समझते कैसे हैं, लेकिन अब पता चला क्यों देखते हैं। ICO को बिना उठाए भी हम चेक कर सकते हैं पूरी सर फ्रिक्वेंसी है ना, तो हर एक फ्रिक्वेंसी पैड लाइन डाटा लाइन या जो भी लाइन है उसका नॉलेज स्टार्टिंग टू एंड सर। नोट्स कितने जरूरी है? बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है, इसके बगैर सर अगर बाई चांस आप जितना भी आप पढ़ रहे हो लेकिन आप हर चीज़ ले लो ऐसा नहीं होता है, आपको रिपीट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के लिए आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप क्या प्रैक्टिस में देखकर आप 4 चीज़ और देख सकते हो कि हाँ भाई ये कहाँ, ये मैंने ये पढ़ा था ये, और आपके पास तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि फील होगा कि मैं तो क्लास में ही हूँ, है ना? बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे टीचरों को और डिसिप्लिन और नॉलेज के बारे में, और हमारा जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो थ्रू आउट कैसा? सर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है यहाँ पे, डिसिप्लिन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि अगर डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप नहीं सीख सकते, अगर मान लो बड़ा आप पढ़ा रहे हैं, दो बच्चे उधर बात कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं है, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है, फिर वो दो बच्चे बात कर रहे हैं तो पढ़ क्यों नहीं रहे, आए किस लिए? आए किस लिए, माँ बाप का पैसे थोड़ी ख़राब करना है। और अगर हम अगर ये चीज़ इग्नोर कर देंगे तो मतलब टीचर बेकार है। बिल्कुल सर, वही पैसा पैसा वाला, पैसा भर लिया अब पढ़े ना पढ़े हमारी मर्जी, ऐसे करना तो मत आओ सर, बेस्ट है मत आओ। जबकि ये बताओ कि ऐसा टेलीकॉम कौन ज्वाइन कर सकता है वाकई में? सच बताओ सर, जिसको सीखने की लगन है वो जरूर आए, और जो हार्डवर्क कर सकता है? बिल्कुल सर, यहाँ 12 घंटे वो कहने की बात है, कहने की बात नहीं सर, सुबह 8 बजे जाते थे रात को 10 बजे जाते थे। अच्छा दिनचर्या चेंज हुई कि नहीं यहाँ पे? थोड़ा बहुत ज़्यादा, कभी बगैर अलार्म के सर सुबह 5:30-5 बजे आँख खुल जाती है। अच्छा, जबकि मैं अपने घर पे जब था वैसे मैं गुड़िया को छोड़ने जाता हूँ तो 5:30-5 बजे उठता था, बट अब ये है कि अब बगैर अलार्म के उठ जाते हैं और पता है कि यहाँ जाना है, तो बहुत चेंज हुआ सर। अच्छा यहाँ पर दिन भूल जाते थे क्या? क्या सर, मैं सही बताऊँ मेरे को डे भी याद नहीं है आज का, क्या ये भी याद नहीं है, याद नहीं है क्योंकि एक दिमाग में रह जाता कि हाँ कल ये क्लास करनी है, परसों ये क्लास करनी है। चलो ठीक है, आप यहाँ आए, ड्यूल डेकर भी आपने अटेंड किए हैं? सर ड्यूल डेकर किया, ब्लैक पेस्टेड करा है, ब्लैक पेस्टेड किया, इनके बहुत सारे वीडियो भी हैं इनको डेली लाइव। अच्छा मुझे बताओ, ये भी दिखाना जरा तारा, ये जो लाइव है आप देख रहे हो, जो लाइव आप हमें देख रहे हो, ये लाइव का क्या सीन है? मेरी फैमिली भी देख रही होगी, अभी देख रही होगी, तो लाइव हम आते हैं को रीज़न क्या है भाई, कौन डेली लाइव बताओ? देखो लाइव वही आएगा जो सच्चा होगा, सच्चा। जो झूठा होगा वो नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर वीडियो बना के वैसे ही अपलोड कर रहा होगा, तो लाइव में नहीं आएगा, वो अपलोड करेगा अलग से। अच्छा लाइव भी ऐसा नहीं है कि सवेरे आप आए पढ़ रहे हैं तो आपको दिखा दिया, आपको जाते समय लाइव लेते सर, जाते समय कि जब आपका पूरा डिनर टाइम हो जाए आपके चेहरों को दिखाते थे, हम कभी डरे नहीं कि इनके चेहरे उतरे हुए हैं लाइव उड़ ले हो,
कभी नहीं, विलन के लिए सर की क्लास में तो हम लाइव पूरे पूरे एक्साइटमेंट के साथ रहते हैं पूरे, क्योंकि सर सबके साथ थे, मतलब उनके साथ और भी ज़्यादा मजा आता था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चलता था MMC ज़्यादा चलती थी, तो मैं उनके साथ ज़्यादा बहुत अच्छा लगा मेरे को, उनकी क्लास भी बहुत अच्छी लगी, यानी कि दुर्गेश सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, कई चीज़ें हमारी जो अभी मेरा 2 महीने से एक्साइटमेंट पढ़ा था, तो दुर्गेश सर की पहली क्लास से मैंने उसे ऑन किया बिल्कुल। और हार्डवेयर में कैसा था? हार्डवेयर बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, उसमें लाइफ में मज़ा नहीं है? बहुत मजा आया, मैं कंपोनेंट की नॉलेज मुझे नहीं थी, क्योंकि हम लोग वर्किंग वैसे ही करते हैं, कंपोनेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं, MMC भी पॉसिबल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप MMC अगर डायरेक्ट अटेंड करते ये सोच के कि मुझे पूरा नॉलेज है, तो क्या आज इतने लेवल का नॉलेज ले पाते हैं? नहीं सर बिल्कुल, अभी भी आधे अधूरे, जब भी आप आओ तो आप जीरो हो के आओ सर, अगर आपके माइंड में कुछ है जो आपने कर रखा है उसे छोड़ के नहीं आओगे तो आप यहाँ नया कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा यार मैंने कर रखा है। सही बात है, तो अगर उसको मिक्स करोगे तो मिक्सअप हो जाएगा सर। ना एक रेसिपी सीखना है तो सामने वाले की बनाने की सही प्रोसेस अटेम्प्ट करो, आप अपना भी डालोगे, अपने मसाले भी डालोगे, उनके मसाले डालोगे, तो उनके जैसे आउटपुट कैसे आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, मतलब ही नहीं। आपको आउटपुट चाहिए, आप अपने मसाले भी रखे हो, उनके भी रखे हो, आप अपने मसाले फेंक दो, अपने फेंक दो, नहीं तो ये है कि आप पहले उनसे लो, अच्छा लो, और फिर देखो कि मेरे में क्या गलती थी और उससे डिफरेंस देखो उसका, अपने मसाले को छांटो, उसमें देखो कि क्या चीज मैंने ज्यादा डाल दी है, क्या डाल दिया, क्या क्या गलत था, क्या गलत था। तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छा ऐसे टेलीकॉम में कहते हैं कि या किसी भी जगह कहते हैं अब भाई इंस्टीट्यूट वाले पढ़ा तो देंगे पर बैकअप का क्या है, घर जाने के बाद 4 में 2 दिन का कॉल नहीं उठाते और एक महीने के बाद कॉल नहीं उठाते, अरे भैया 2017 के बच्चे को बैकअप दे रहे हैं, वन कॉल पे है, क्या करना? अभी सर हमारे सामने 5 बच्चे हो गए गए और वो भी 17-18 के बच्चे थे, एक हमारे खुद के बैच में था कि लड़का, बोलो वो भी अपडेट, वो भी अपडेट होने आया था MMC के लिए, और उसको भी आपने आप पूछा होगा। मैं यहाँ पर एक बार अपने बैकअप को दिखाना चाहता हूँ, जरा दिखाइए मेरा मोबाइल, चलो ठीक है, मैं एक बार मोबाइल मेरा आता है तो मैं एक बार मोबाइल में अपने दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे जो फेसबुक में है उसमें बैकअप है, उसके लिए एक ख़ासतौर पर एक वीडियो भी बना दूंगा। प्रमोद आप काफ़ी सीनियर हैं, तो देखो बहुत से लोग होते हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो इंस्टीट्यूट के दबाव पर स्टूडेंट आते हैं और बोलते हैं ये सोच के कि बैकअप नहीं देंगे तो भाई इनको अच्छा बोल के जाओ, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे एक कॉल पे रिस्पांस मिलता है सर, तुम किसी के दबाव में आके बोलोगे क्या? नहीं सर, कोई पैसा दे कर आए हो भाई, ऐसे दे के आए सर, ऐसे थोड़ी तुम अगले दिन भाग जाते हैं, सच बताओ? बिल्कुल सर, नहीं चले जाते? बिल्कुल सर, दबाव में कोई नहीं आता। ये कौन लोग कहते हैं जो ऑनलाइन पढ़ो, दुकान मत छोड़ो, इंस्टीट्यूट मत जाओ, ये कौन लोग कहते हैं? बस बताओ, बुरा लगता है कि ऐसा होता है जो झूठा है, हाँ जी, वो आपको ये कहेगा यार वहाँ कुछ नहीं पढ़ाते, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप हमसे पढ़ लो यार, यहाँ प्रैक्टिकल कर लो, यहाँ डेली कस्टमर का सेट आता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट नहीं करना है सर, पहले आप नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेके तब काम कीजिए। एक दुकान वाले से आप एक IC निकालने लगाना, बैठ के 4, 10, 15, 20, 50 दिन में सीख तो जाओगे, पर क्या बैकअप क्या है सर? मैं कुछ 16 साल से निकाल रहा हूँ, मैंने बहुत निकाली है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं निकाली, हमने कई ऐसे काम किए जो हमारे सर ने फेल किए थे और हमने करके दिए, लेकिन वो थोड़ी नॉलेज थी उस समय करा हमने, लेकिन अब वो नॉलेज पुरानी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी चेंज है सर, टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है बिल्कुल, और आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या अगर इस फील्ड में अपडेट नहीं हुए तो काम ही नहीं कर पाएंगे सर? जीरो है सर, जीरो है, कुछ नहीं कर पाओगे, दुकान का तो बैठना ही बेकार है, बेकार हो जाएगा सर। चलो थैंक यू वेरी मच प्रमोद जी, आप यहाँ आए, ऑल द बेस्ट, क्या कहना चाहोगे गाजियाबाद के स्टूडेंट? जो आना चाहे बिल्कुल बिंदास आइए, आप यहाँ पे आके काम सीखिए, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा, आपको कुछ ना कोई रिफंड जरूर आएगा, और ऐसी बात नहीं है आप रिफंड की पहले क्यों सोच रहे हो, आप ये देखो कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, कमाओगे तो आप जिंदगी भर कमाओगे इससे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीखो निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?